Welcome to WeLearn Networks This is session number 12 of subject Retail IT Management and today we will cover the topic or chapter Control and Security of Information System The topic that we will cover in this session are information systems breakdown systems vul vulnerability and hazards securing IS from threats and correcting failures Type of controls, implementing controls. Information system breakdown. आई एस आर यूज इन डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड इवन फॉर स्टोर सिक्योरिटी हाउ एवर रिटेल फ्रॉड स्टिल टेक प्लेस इंटेंशनली बाय स्टाफ और कस्टमर्स जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं आजकल हम उनको डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि जो स्टोर की सिक्योरिटी जो होती है हमारे पास में वो भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ही डिपेंडेंट रह के करते हैं पर जो रिटेल फ्रॉड्स होते हैं हमारे में वो भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं और अगर कोई ये जो है ना इंटेंशनली भी हो सकती है जो रिटेल फ्रॉडिंग है इंटेंशनली भी हो सकती है जो स्टाफ या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके थ्रू दिस टॉपिक इलेस्ट्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेल फ्रॉड व्हेन देर इज़ अ फेलियर ऑफ आई गोइंग अ हैड इन दिस टॉप वी विल डिस्कस हाउ आई एस कैन बी सिक्योर्ड एंड कंट्रोल टू अवॉइड फ्रॉड ये जो हमारा टॉपिक है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ब्रेक डाउन ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे वह एग्जाम्पल है अ रिटेलर हैज इंस्टॉल्ड सी सी टी वी कैमराज फॉर मोनिटरिंग स्टाफ एंड कस्टमर्स एक्टिविटी हाउ एवर सडनली दी सी टी वी कैमराज स्टॉप वर्किंग एंड नो इंसिडेंट्स आर कोवर्ड और रिकॉर्डेड रिटेलर्स कॉल्स द मेन्टेनेंस डिपार्टमेंट बट अकॉर्डिंग टू दैम द रिपेयर वुड टेक अ फ्यू डेज जो हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक हमारी रिटेलर ने सी सी टी वी कैमरा इंस्टॉल करवाया अपने अपने स्टोर में ताकि वो स्टाफ और कस्टमर की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके पर क्या हुआ वो जो हमारे सीसीटीवी कैमरा था वो सडनली ख़राब हो गया और है ना जो मेंटेनेंस उसने जो मेंटेन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था उसने बोला कि अभी दो तीन दिन लगेंगे इसको ठीक करने में तो इस इस दौरान क्या वो रिटेलर्स इन द मीन टाइम द रिटेलर फाइंड आउट दैट देयर इज मिस मैच बिटवीन इन्वेंट्रीज रिसीव्ड इन्वेंट्री सोल्ड एंड इन्वेंट्री ऑन हैंड ऑन इंटेरोगेशन द रिटेलर फाइंड आउट दैट हिज वर्कर्स आर स्टीलिंग गुड्स फ्राम द स्टोर रूम और बैक रूम वेयर द एक्सेस इन्वेंट्री इज स्टोर्ड तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो सी सी टी वी कैमराज खराब हुए तो जो उसके रिटेलर्स के जो वर्कर्स थे या फिर जो स्टाफ था उसने सामान को चुराना शुरू कर दिया या फिर मिसमैच होने लगी जब इन्वेंट्री की कि जो इन्वेंट्री हमारे पास में आई है या फिर जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में आए हैं उसका मिसमैच होने लगा तो इसमें जब उसने इंटेरोगेसन करी अपने स्टाफ से तो ये पाया कि कुछ स्टाफ के पर्सनस ही वो सामान को चुरा रहे थे इन दिस केस इफ द सी सी टी वी वॉज रिपेयर इमीजिएटली और इफ़ द सी सी टी वी डिड नॉट ब्रेक डाउन देन द फ्रॉड Would not have taken place. The CCTV camera downtime was utilized by staff to commit fraud. Thus, retailers should have immediate control or security strategy for IS. तो इसके लिए जब ये काम हुआ जब उसको स्टाफ को हमारे स्टाफ को पता लगा कि सीसीटीवी कैमरास ख़राब हो गए हैं तो उस उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लेना स्टार्ट किया तो जो हमारे रिटेलर है, उसको पहले से ही एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी इस कंडीशन के लिए There are many other examples where staff members or customers commit shoplifting or fraud fraud may occur because of absence of information system downtime or failure of information systems next topic is system vulnerability and hazards information system can be single or multiple location based on scale of operations स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करके जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं हम उन्हें या तो सिंगल लोकेशन पे या फिर मल्टीपल लोकेशंस पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं दी सिस्टम अनेबल्स रिटेलर्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन और हम जो मल्टीपल लोकेशंस में जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम लगे हुए हैं तो ये सिस्टम ही हमें अनेबल करते हैं कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन से हम डेटा को एक्सेस कर सकें आई एस एट ईच लोकेशन इज़ वलरेबल टू मैनी पोटेंशियल हज़र्ट्स जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो हर लोकेशन पे लगे हुए होते हैं वो अब हमारी किसी भी पोटेंशियल हेज़र्ट से वर्लरेबल होते हैं मीन्स उनको डैमेज पहुंच सकता है द पोटेंशियल हेज़र्ट में भी एक्सीडेंटल और इंटेंशनल ये जो हज़र्ट्स होते हैं ये एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं या फिर इंटेंशनल भी हो सकते हैं

फ्लड आ गया ये सारे हमारे एक्सीडेंटल हैजर्ड्स होते हैं इंटेंशनल हैजर्ड्स में भी बिकॉज ऑफ थेफ्ट वायरस और मैनिपुलेशन इंटेंशनल हैजर्ड्स ये हैं कि चोरी कर ली गई या फिर हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में वायरस डाल दिया गया या फिर उसको मैनिपुलेट किया गया एक्सीडेंटल हैजर्ड्स में भी करेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ हाउ एवर इंटेंशनल हैजर्ड्स में भी बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिमिनल और आर वेरी सीरियस मोस्ट आई एस आर वर्लनरेबल वर्नरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिफाइंड एज वीकनेस ऑफ आर सिस्टम डेट कैन बी अटैक्ड पुटिंग द सिस्टम एट रिस्क जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की वर्नरेबिलिटी है वह हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिस्टम की एक वीकनेस है जहाँ पे हम किसी सिस्टम को अटैक करते हैं और उसको रिस्क में डालते हैं सम सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर आई एस कूड बी कुछ जो इंफॉर्मेशन या फिर सिक्योरिटी थ्रेट किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को होते हैं वो होता है सिस्टम का हार्डवेयर सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेटा एक्सेस रूल्स एनवायरमेंट्स ह्यूमन एरर्स, एनवायरमेंटल हजर्ट्स एंड कंप्यूटर क्राइम सिस्टम हार्डवेयर जो होते हैं वो कैसे वर्ल्ड प्रोवाइड करते सिस्टम्स को आई एस एज अ फीयर ऑफ बींग अटैक थ्रू इट्स हार्डवेयर एनी फेलियर ऑफ हार्डवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कैन बी अ सिक्योरिटी थ्रेड कि हमारा हार्डवेयर खराब हो जाए तो ये एक एक्सीडेंटल हजर्ड है हमारे सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर फेलियर इन सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो आर रिस्क फॉर आई एस लो और नो प्रोटेक्शन कैन रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन लीकेज और मैन्यूपलेशन हम वायरसिस को हमारे सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को या तो मैन्यपुलेट कर दें या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए डेटा बेसिस डेटा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ डेटा कैन मेक अ बिजनेस वाइल इनअप्रोप्रिएट डेटा यूसेज कैन ब्रेक इट तो जो हमारे डेटा है हमें उसको सिक्योरिटी सिस्टम से इंश्योर करना चाहिए कि उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी वरना हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है या फिर उसका इनअप्रोप्रिएट यूज़ हो सकता है एक्सेस रूल्स एक्सेस रूल्स शुड बी स्पेसिफाइड इन द सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इट शुड बी अडर्ड टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन बी एट मेजर एक्सेस्ड बाई अनऑथोराइज यूजर्स तो जो हमारे जो भी हमारे स्टोर का एरिया है जहाँ पे हमारा इन्वेंट्री रखी है या फिर कोई भी ऐसा स्टोर का एरिया जहाँ पे ऑथोराइजेशन चाहिए वहाँ पे हमें एक्सेस रूल्स डिफाइन करने चाहिए ताकि हमारा कोई अनऑथराइज यूज़र उस एरिया में जा ना जा सके या फिर कोई डेटा बेस को हैक ना कर सके एनवायरमेंटल एनवायरमेंट एंड यूजर्स आई ए एस फॉर आर रिटेल बिजनेस कैन बी डिफरेंट लोकेशंस हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट द आई एस आर प्लेसड इन सिक्योर्ड एनवायरमेंट तो हमारे जो आई एस होते हैं उनको एक सिक्योर एनवायरमेंट में रखना चाहिए और जो यूज़र्स हैं उनको ऑपरेट ना कर पाएँ सिर्फ जो ऑथराइज यूज़र्स हैं सिर्फ वही हमारे आई को यूज़ कर पाएँ ह्यूमन एरर्स ह्यूमन एरर्स कैन मेक द आई एस वीक एरर्स कैन अकर इन द डिज़ाइन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ द आई एस अगर हमारे डिज़ाइनिंग uh, में ही गड़बड़ है किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तो वो उसको हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को वीक बना सकती है इसलिए जो ह्यूमन एरर्स हैं हमें उसे मिनिमाइज करना चाहिए एनवायरमेंटल हैज़र्ट्स दीज आर हेजर्ट्स इंक्ल्यूड अर्थक्विक्स स्टॉम्प्स पावर आउटेज फायर डिफेक्टिव एयर कंडीशनिंग एसेट्रा फायर एंड पावर आउटेज आर द मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट इज कंप्यूटर क्राइम एनी क्राइम इन विच अ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ यूज एज अ टूल इज कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम कोई भी वो क्राइम जहाँ पर हम कंप्यूटर या हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं एज अ टूल हम उसे कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम कहते हैं thus to summarize security threats for information system could be loss theft or corruption inappropriate usage of data equipment theft human errors in entering processing or transferring data equipment malfunctions and accidental damage of is systems securing is from threats and correcting failures Knowing threats is just not enough. Users should know how to secure information system from these threats. Protecting IS against threats is a challenging task. जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है उसे हमें सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं पर हमें उनको ये भी पता करना चाहिए या फिर उनके लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड एंडश्योर करनी चाहिए कि अगर ये ये थ्रेट्स हमारे से इन्फॉर्मेशन सिस्टम को है तो हमारा सिस्टम को हमें इस उनके खिलाफ सिक्योर करना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं फॉलोइंग आर द चैलेंज फेस्ड इन सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फर्स्ट वन इज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स एग्जिस्ट एवरी डे देर इज़ अ न्यू थ्रेट अगेंस्ट विच आई एस शुड बी सिक्योर्ड बहुत सारे पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जिनको हमें सिक्योर uh, करना चाहिए ताकि हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सिक्योर रह सके आई एस आर यूज और एक्सेस्ड बाई मैनी इंडिविजुअल्स कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत सारे इंडिविजुअल एक्सेस या फिर उसे यूज़ करते हैं आई एस आर प्लेसड इन डिफरेंट लोकेशंस तो हमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर लोकेशन को मॉनिटर कर सकें इसीलिए हमें अच्छे से सिक्योरिटी थ्रेट्स को या फिर सिक्योरिंग पॉलिसीज निकालनी चाहिए इन लोकेशंस के लिए आई एस आर आउटसाइड द मेन ऑफिस मे बी डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हम ऑफिस के बाहर लगाते हैं शायद उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो आसानी से चोरी हो सकते हैं लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज़ चैलेंज एज देयर इज़ अ न्यू थ्रेट एवरी टाइम कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हर बार हमारे सामने कोई नई मुसीबत आ सकती है तो हमारे एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ही एक चैलेंज है कि हम हमारे प्रीवियस जो टास्क आए हैं या फिर जो